हाय, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। अपन ने फंक्शन के बारे में देखा था, लूप के बारे में देखा था, सॉरी। अब अपन देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसका बेसिकली यूज क्यों है, क्यों फंक्शन अपन को चाहिए, चाहिए ही क्यों है फंक्शन, तो उसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा। जैसे अगर अपन को बेसिकली जब आपको कभी कभी ऐसा चाहिए, जैसे आपको चाहिए कंसोल डॉट लॉग और आपको 3+4 चाहिए, ठीक है। पर उसके बाद आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे 4+9 चाहिए, तो अगर आपको दो अलग अलग उसका सम चाहिए तो आप अलग अलग बार बार इस तरीके से आप उसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और 4+9 उसको बार बार परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लीकेशन चाहिए, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4×9 इस तरीके से करेंगे। आपको किसी मान के चलिए एक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के कुछ जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स हैं, उनके अंदर जो मार्क्स अपन ने दिए उस मार्क्स के बेस पर उसका एवरेज निकालना है। इस प्रकार के ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो हर एक स्टूडेंट का आपको अलग 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 पूरा वो परफॉर्म करना पड़ेगा। फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन उसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, इसी इशू को सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जो कोड है हर एक कोड को वो ऑप्टिमाइज करते हुए अलग चीज़ को अलग अलग करके कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे अपन ने सम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 3+4, 4+9 और 4×9 मल्टीप्लाई के लिए किया, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपन नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा फंक्शन और फंक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सम लिख देना, जो भी आपका फंक्शन का नाम है अपन फंक्शन का नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पास करना है, इसके अंदर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो आप ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए, एक पैरेंथेसिस अगर आप नहीं लगाएंगे तो अब वो इंडिकेट नहीं होगा कि ये फंक्शन ही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें, अगर जैसे मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए, जितने भी वेरिएबल आपको यहाँ पे चाहिए उतने वेरिएबल आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, 1, 2, 5, 10, 50, 100 जितने भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ a+b, तो a+b अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा कि ये जो वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं उन वेरिएबल को मुझे यहाँ पे उसका एडिशन करके परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पे इन सबको अगर मैं कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग केवल एक कंसोल डॉट लॉग करूँगा जिसके अंदर मैं सम की वैल्यू और मैं यहाँ पे 3, 4 पास कर दूँगा, फिर इसके बाद सम की वैल्यू जिसके अंदर मैंने 4, 9 पास कर दिया। अब मुझे केवल यहाँ पे इस तरीके से सम की वैल्यू पास करनी है, तो ये जो रिजल्ट ए वाले देते ना 7 और 13, तो अब अगर मैं इसको अगर मैं रन कर दूँ यहाँ से, क्योंकि इस फाइल को अपन ने index.html के अंदर इम्पोर्ट किया है, तो उसको मैं यहाँ से अगर इंस्पेक्ट पे जाऊँ, कंसोल पे जाऊँ, यहाँ पे देखो आप 7 और 13 अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और फंक्शन अपना इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ईजी करता है कि जो कोड को आपको 5-6 लाइन के अंदर लिखना पड़ रहा था वो कोड आपने एक बार लिखा, इस बार एक बार कोड लिखने के बाद आप उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी बड़ी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जैसे मैंने इस तरीके से किया, आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसके अंदर वैल्यू डाली, इसके बाद आपने पर्टिकुलर इस वेरिएबल को मैं यहाँ से वो करा सकता हूँ, रिटर्न करा सकता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तब भी आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो 7 और 13 आपको देखने के लिए, अगर मैं रीलोड भी कर दूँ सेम आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे सम कराया, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से लिख के और a×b जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे सम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपन सम नाम से कॉल नहीं करते। जब भी आप इसको कॉल करते हैं तो आप इसको कॉल करते समय उस वही नाम देना पड़ेगा जो जिस नाम से आपने उसको डिफाइन किया है। और ध्यान की इसमें यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप जो वैल्यू पास करते हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे दो वैल्यू हैं और यहाँ पे अगर आपने केवल एक वैल्यू को पास किया तो दूसरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, उसकी कोई भी वैल्यू उसके पास नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने आप आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि इसको पैरामीटर बोल लो या इसको आर्गूमेंट, बस समझ में आना चाहिए और इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए बस। अगर आप जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं MUL तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसको भी MUL कर दूंगा, अब एरर नहीं आएगी। 12 और 36 अपन को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 3×4 क्या होता है, 12 होता है, 4×9 अपना 36 होता है। तो आप इसका कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, उस बड़े प्रोग्राम को आप इतने आसानी से छोटे छोटे उसके अंदर तोड़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने स्टूडेंट वाला बताया था, तो स्टूडेंट वाला मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, m1
M2 ये अपने मार्क्स हैं, मैंने मान के चलो तीन अपने सब्जेक्ट हैं, उन तीन सब्जेक्ट के अपने पास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास केवल मार्क आएंगे स्टूडेंट के, और अपन को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है और एवरेज निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, लेट टोटल नाम से एक वैल्यू बनाएंगे, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इस तरीके से कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे वो वहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसका भी नाम दे देता हूँ स्टूडेंट एवरेज, ABG एवरेज के नाम से। और यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एवरेज नाम से वेरिएबल, और एवरेज के अंदर इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन अपने पास सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एवरेज को, इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपको कॉल करना है अभी, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टूडेंट एवरेज, और मैंने यहाँ पर तीन पास कर दिए, 34, 45, 67, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे पास कर दिए। अब क्या होगा, अपन को एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 48.6 इतना उसका ग्रेड, अपन बता सकते हैं कि इतना ग्रेड उसका बना है। तो इस तरीके से अपन कोई भी अपन बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम, कोई जो भी रियल लाइफ जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर अपन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, जिसको बोला जाता है फैट एरो। फैट एरो फंक्शन को जिस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से दिया, और मैं यहाँ पे जैसे सम नाम से अगर फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सम इक्वल टू, मैं यहाँ पे इस तरीके से दूंगा कॉन्स्ट सम इक्वल टू इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से मैं पास करूँगा। यहाँ पे अगर आपने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया या इस तरीके से नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भी मैं ए और बी दो आर्गूमेंट ले सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न करा सकता हूँ ए प्लस बी को, थोड़ा सा स्पेस ए प्लस बी और इस तरीके से। और मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं इस जगह पे सम की वैल्यू को कॉल कर सकता हूँ, और यहाँ पे 3 और 4 पास कर दूँगा। और एक काम करता हूँ, मैं रिटर्न करने की जगह इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं इसको कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपन जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे 7 देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ए इसको बोला जाता है फैट एरो फंक्शन, और ये अपना नॉर्मल फंक्शन है। ए वाला मतलब बोल सकते हैं कि पहले यूज होता था, अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर, या फिर आप कभी किसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर जैसे किसी फ्रेमवर्क के साथ, तो उसके अंदर आप इस तरीके से फैट एरो फंक्शन को डिफाइन करते हैं बार बार। तो ये अपना फंक्शन था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, फंक्शन को कॉल किस तरीके से किया जाता है, इसके अंदर कितने जितने आर्गूमेंट उतने आर्गूमेंट यहाँ पे पास करने हैं। अगर नहीं करते हैं, अगर कोई भी आर्गूमेंट मिसिंग हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड वैल्यू ले लेता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, उसके अंदर कोई भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करने के बाद आपको रिटर्न करना है, रिटर्न कर दीजिए, और अगर आपको कंसोल डॉट लॉग अकेला करवाना है, तो कंसोल डॉट लॉग भी आप करवा सकते हैं। तो फंक्शन मतलब ये समझ लो कि आपका जो पूरा एक कोड है, पूरा जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को वो कुछ टुकड़ों में तोड़ देता है। आप उसको अलग अलग तरीके से एक एक टुकड़े में ले सकते हो, और फिर आसानी से एक के साथ अरेंज कर दो, और फिर आसानी से अपना पूरा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो इतना ईजी होता है किसी भी फंक्शन को समझना, और बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप उसको जितना आप उसको यूज करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का सबसे कॉमन चीज़ है, जो डेली यूज होता है, डेली यूज होता है। फिर चाहे आप वेबसाइट बनाएं या ऐप बनाएं, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन तो यूज होने ही होने हैं, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पर आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।